वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा फ्रॉम जेएमडी हाउसिंग और आज आपके लिए लेके आई हूँ 3 BHK 100 गज एल टाइप का फ्लैट मार्केट से मात्र 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे। और आपको मिलने वाली है दो दो बालकनी, फ्रंट की रोड रहने वाली है 25 फिट की, लेफ्ट की रोड रहने वाली है आपकी 10 फिट की, मतलब एल टाइप कॉर्नर का 3 BHK फ्लैट। वो भी फ्लैट नहीं है, बम है। मैं आपको बिल्डिंग की स्पेसिफिकेशन बता देती हूँ। सबसे पहले बिल्डिंग में मिलने वाली है आपको एक फ्लोर पे 6 फ्लैट की यूनिट, 2 3 BHK जो कि एल टाइप कॉर्नर में रहने वाले हैं, 4 2 BHK जो कि 2 बैक साइड के हैं और 2 फ्रंट साइड के हैं। फ्रेंड्स, आपको बिल्डिंग में लिफ्ट मिलने वाली है, कार पार्किंग मिलने वाली है, 80 से 90% इसमें लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है और साथ में IGL के गैस पाइपलाइन की सुविधा इसमें मिल जाएगी, दिल्ली जल बोर्ड के वाटर सप्लाई की सुविधा इसमें आपको मिल जाएगी, आसपास आपका सुपरमार्केट, ATM, बैंक, स्कूल, जिम, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी लिविंग एरिया में खड़ी हूँ। आपको यहाँ पे ब्राउन कलर के हमने सोफे की प्लेसमेंट का ऑप्शन दिया है और साथ में आपको मिल जाता है सेंटर टेबल ब्लैक मिरर के साथ में। और ये शेर तो आप देख ही रहे होंगे, बस ये दहाड़ेगा नहीं क्योंकि ये हमारा समझदार शेर है। और आप देख सकते हैं फ्रंट वॉल की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट वॉल पर हमने क्विल्टिंग का काम करके आपको दिया है, कॉपर ग्लास का आपको काम मिल जाता है। सेटिंग के सामने की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत ही ह्यूज साइज का एक TV कैबिनेट मिल जाता है। फ्लैट एकदम ग्लैमरस लग रहा है और फ्लैट का इंटीरियर इतना सुपर है ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। विजिट करोगे तो आप जानोगे कि कितना बढ़िया इंटीरियर, कितने अच्छे साइज का और पूरा वेंटिलेशन के साथ 2 बालकनी वाला फ्लैट आपके लिए लेके आई हूँ। तो जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप TV कैबिनेट देख सकते हैं, वाइट कलर के ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में हमने इसका डिज़ाइन रखा है। यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले शेल्फ मिल जाती है, नीचे आपको काफ़ी सारे ड्रॉर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह इजीली प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको वीडियो कॉन इंटरकॉम की फैसिलिटी भी लगा कर दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं बिल्कुल सिटिंग के फ्रंट वॉल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आपको दे रहे हैं। क्या इतने कम प्राइस में आपको 3 BHK का फ्लैट मिलेगा? बात आ जाती है मेरे प्राइस की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है इसका प्राइस, वहाँ से जाकर के आप चेक कर लेना, पता लग जाएगा फ्लैट कितना अफोर्डेबल है। और गारंटी है पूरी मार्केट के अंदर कि अगर कोई ऐसा फ्लैट आपको दे देना तो ऊपर से 25,000 का डिस्काउंट मैं आपको दूंगी। फ्रंट वॉल की बात करें तो डिस्प्ले इतने सुंदर मिल रहे हैं आपको, कुछ भी आप डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। साथ में आपको आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिल रहा है, नीचे आपको बिस्किट लाइट्स का काम मिल रहा है। फॉल सीलिंग दिखा देती हूँ एक बार आपको, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ही अल्टीमेट ग्लैमरस लुक में रहने वाला है। साथ में मिलने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल शैंडेलियर आपको 2, और बीच में मिलने वाला है एक फ़ैन। मैं अब लेके चलती हूँ हमारी भाभियों की किचन में, तो मेरी भाभियाँ जब कभी भी विजिट करने आएंगी ना तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि आप लोग आती हैं तो डिसीज़न लेना बहुत ही आसान हो जाता है फ्लैट का। तो देख सकते हैं आप, अगर मैं बात करूँ हमारे ओवरहेड्स किचन की, किचन में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सबसे पहले आपको RO का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आपको जो है लैकर ग्लास का काम मिल रहा है, साथ में आपको प्रोफाइल का काम मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको ड्रॉर्स मिल रहे हैं। चिमनी हमारी ऑटोमेटिक रहने वाली है, मतलब आप टच स्क्रीन चिमनी है, आप इसको टच करेंगे तो ये ऑन और ऑफ हो जाएगी। एंड यहाँ पर भी आपको जो है ड्रॉर्स मिल रहे हैं जिसमें आप अपना जितना मर्जी सामान है आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। शेल्फ हमारी वाइट कलर में रहने वाली है, वाइट कलर के मार्बल में हमने इसमें काम किया है। और साथ में अगर आपका कभी दिल करे ना आराम से खड़े होके किचन में खाने और पीने का तो ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं। ये क्रॉकरी वगैरह सब कुछ एज इट इज़ मिलने वाली है, बट फुल्ली फर्निश्ड में। एंड नीचे की अगर मैं बास्केट्स की बात करूँ तो आपको कटलरी बास्केट मिल रहा है, नीचे आपको प्लेन बास्केट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको आटा बास्केट मिल जाता है, सिलेंडर के लिए स्पेस मिल जाता है और नीचे आपको ड्रेनेज के लिए भी स्पेस मिल जाता है। फॉसेट्स की बात करूँ तो आप जैगवार कंपनी का काम मिल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, आपके जो टैप्स हैं कहीं से भी लीक नहीं होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जैगवार कंपनी ब्रांडेड है हमारी।
और स्टेनलेस स्टील की आपको सिंक मिलने वाली है। ऊपर की फॉल सीलिंग देख लीजिए, बीच में आपको एक बहुत ही प्यारा सा हैंगिंग क्लैंप मिलने वाला है। स्क्वायर शेप में हमारे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन रहने वाला है। अब मैं लेके चलूंगी 1x1 करके आपको बेडरूम में। तो मैं आपको दो बेडरूम जो दिखाऊंगी, दोनों में आपको सेपरेट बालकनी मिलने वाली है। जो भी क्लाइंट्स हमारे देख रहे थे दो बालकनी वाला फ्लैट, फटाफट से आके विजिट कर लीजिए क्योंकि यूनिट्स अभी अवेलेबल हैं। और हाँ, फ्लैट हमारा इतना सुंदर है, जेब में पैसे डाल के लाना क्योंकि ऐसे फ्लैट की इन्वेंट्री मिलती नहीं है, और इसको हैंड टू हैंड बुक भी करा लेना। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम आप देख सकते हैं हमारा कितना लविश लुक आपको मिलने वाला है। पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में हमने इसका इंटीरियर का डिज़ाइन रखा है। 6.5x6 का आपको बेड प्लेस करके दिया है। पीछे आपको जो है डार्क पिंक कलर में आपको क्विल्टिंग का काम मिल रहा है। साथ में मिल रही है आपको ओपन डिस्प्ले जिसमें आप कोई भी अपना डेकोरेटिव आइटम प्लेस कीजिए। इस तरफ आपको वॉलपेपर का डिज़ाइन मिल रहा है। एंड फॉल सीलिंग की बात करूं तो फॉल सीलिंग हमारे पूरे स्क्वायर शेप में रहने वाली है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस आपको बेड के सामने मिल रहा है। इजीली आप खाना पीना खा के वॉक भी कर सकते हैं अपने बेडरूम के अंदर। टीवी कैबिनेट हमारा बहुत ही ह्यूज साइज का रहने वाला है। 56-70 इंच का टीवी लगा लेना, तब भी कमी नहीं आएगी। ऊपर भी आपको डिस्प्ले मिल रहे हैं, नीचे आपको ओपन शेल्फ मिल रही है जहाँ पे आप अपने रिमोट वगैरह इजिली प्लेस कर सकते हैं। और एक चीज़ और दिखा देती हूँ लेडीज़ पर्पज़ के लिए, आपको यहाँ पे ड्रेसिंग का एरिया भी मिल रहा है जहाँ पे आप अपने कोई भी कॉस्मेटिक का सामान है रख लीजिए, जितना मर्जी सामान है। और यहाँ पे हम आपके लिए लगा देंगे ब्यूटीफुल सा मिरर जिसमें आप इजीली अपने आप को रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका अटैच वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। अटैच वॉशरूम देख लेते हैं। साइज आप देख लीजिए वॉशरूम का, कितना स्पेशियस साइज आपको मिलने वाला है। ऊपर एंड टॉप तक हमने टाइल्स का काम करके दिया है। गीजर का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, शार का ऑप्शन मिल जाता है, वॉश बेसिन का ऑप्शन मिल जाता है। सारे सैनिटरी पार्ट्स हमारे जैगुआर के रहने वाले हैं, और हमारे WC वेस्टर्न मिल जाती है। और जो है क्रीम कलर के डिज़ाइन में हमारे जो है टाइल्स का कलर रहने वाला है। और साथ में आपको गेट में कितना एलिगेंस लुक मिल रहा है, मतलब हम किसी भी एरिया को नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको इस बेडरूम के अंदर मिल रहा है। वॉशरूम मिल रहा है और ओपन शेल्फ मिल रही है, साथ में ड्रेसिंग भी मिल रही है और टीवी कैबिनेट भी मिल रहा है। फ्रेंड्स, और कमाल की बात तो ये है कि फ्रंट रोड से आपको बालकनी अटैच मिल रही है। आ जाइए फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे हैं कि AC कहाँ लगाएंगे, तो ऊपर आप देख लीजिए हमने 2.5 फिट की जगह छोड़ी है। यहाँ पे आप अपना विंडो AC प्लेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और बालकनी का साइज़ देख लीजिए, कितने ह्यूज साइज़ की आपकी बालकनी रहने वाली है। आप देख सकते हैं ड्रेनेज के लिए पॉइंट दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको अगर आप चाहेंगे तो टैप के लिए भी ऑप्शन आपको करके दे देंगे। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिलने वाली है, टफन ग्लास आपको मिलने वाला है। फ्रंट का रोड आपको दिखा देते हैं, 25-30 फिट का रोड आपको यहाँ मिलने वाला है। आसपास की लोकेशन बिल्कुल अच्छी रहने वाली है, और पूरा मार्केट एरिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाहर निकलते ही दूध पानी बिस्किट चीनी जो लेना है ना ले लेना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा एक बेडरूम के अंदर 10 फैसिलिटी आपको मिल रही है। उंगलियाँ चार है, फैसिलिटी 10 है। अब आपको दिखा देती हूँ कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का साइज़ भी आप देख लीजिए, कितना अच्छा साइज़ आपको मिलने वाला है। ब्राउन कलर के और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में टाइल का काम करके दे रहे हैं। एंड टॉप तक शार आपको मिल रहा है, सारे सैनिटरी पार्ट आपको जैगुआर के मिल रहे हैं, गीजर का काम मिल रहा है, हैंगिंग लैंप मिल रहा है, एंड आपको WC वेस्टर्न मिलने वाली है। साथ में फ्लश वाला टैब लगा के दे रहे हैं आपको, मतलब वो पुराना ज़माना गया, नए ज़माने को यूज़ करेंगे ईजिली कम्फर्ट। और साथ में मिल रहे वाला है आपको वॉश बेसिन, और गेट तो कितना ब्यूटीफुल है आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स। अब मैं लेके चलूंगी हमारे सेकंड बेडरूम में, सेकंड बालकनी वाला फ्लैट। वाव, इतना पीसफुल मेरे को वाइब्स आ रही है यहाँ पे, और कलर कॉम्बिनेशन तो इतना ज़्यादा शांत और इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव, और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। 6x6 का हमने यहाँ पे बेड प्लेस किया हुआ है। व्हाइट कलर में आपको क्विल्टिंग का काम मिल जाता है। साथ में मिल जाती है आपको स्लाइडिंग डोर अलमीरा। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस हमारा अलमीरा का डिज़ाइन रहने वाला है। अलमीरा रहने वाला है। यहाँ से भी स्लाइड हो रहा है, और यहाँ से भी इजीली आप कुछ भी काम वाम आराम से कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस आपको मिलने वाला है, और साथ में मिलने वाला है आपको यहाँ पे साइड टेबल्स। उस तरफ भी आपको साइड टेबल्स के साथ आपको नाइट लैम्प मिल रहे हैं। इस वाली वॉल पे हमने एक वॉल लैम्प का ऑप्शन रखा है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हमारा स्क्वायर शेप में रहने वाला है विद ओरिएंट कंपनी के फ़ैन के साथ।
और ये वाली भी वॉल को हमने बहुत ही मैट कलर के लुक में लाइट शिमर के साथ में आपको वॉलपेपर का डिज़ाइन प्लेस करके दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन बहुत सारा है, दिखाऊंगी। ऊपर 2.5 फुट की जगह छोड़ी है, यहाँ पे एक बड़ा विंडो मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक स्टडी टेबल आपको एज अ यूज़ कर सकते हैं, वर्क स्टेशन एज अ यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको ड्रॉर्स वगैरह मिल रही हैं, बहुत अच्छा ड्रॉर है। लैपटॉप वगैरह, इसलिए कोई भी बड़ा सामान आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि सेकेंड बालकनी आपको दिखाऊंगी, तो सेकेंड बालकनी में चलते हैं। एल टाइप का फ्लैट है, यहाँ से भी व्यू मिल रहा है सामने का, और इस तरफ से भी व्यू मिल रहा है। स्टेनलेस स्टील के साथ में हमने टफन ग्लास का यूज़ किया है। टाइल्स आपको ऑफ वाइट कलर में रखा है। टैप का कनेक्शन दिया है। वॉशिंग मशीन इजीली आप यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं या ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं। सारे हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस फिलिप्स कंपनी के रहने वाले हैं। नीचे आपको ड्रेनेज का पॉइंट मिल रहा है, साथ में भी हमारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट बेडरूम में, आ जाइए आप। थर्ड एंड लास्ट बेडरूम भी आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस रहने वाला है। यहाँ का एरिया आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेशियस है। इजीली आप जैसे मर्जी वॉक कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो वो भी आराम से खेल सकते हैं। वेंटिलेशन दिखा देती हूँ। ये वेंटिलेशन की जो विंडो है हमारी बालकनी में खुलेगी, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। इस वाले बेडरूम में भी आपको जो है विंडो एसी लगा लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों बेडरूम में विंडो एसी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.5x6 का हमने यहाँ पे बेड प्लेस किया हुआ है। फोल्डिंग का काम आप देख सकते हैं कितने यूनिक डिज़ाइन में कलर कॉम्बिनेशन हमने रखा है। साथ में मिल रहे हैं आपको बहुत ही ह्यूज साइज़ के ड्रॉर्स। आप देख सकते हैं आपकी जो है अलमीरा कितनी ज़्यादा स्पेशियस रहने वाली है। और नीचे आपको मिल रहा है साइड टेबल्स में भी बहुत अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। साथ में आपको जो है नाइट लैंप का प्रोविज़न भी हम दोनों साइड से दे रहे हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज साइज़ का हमारा अलमीरा रहने वाला है। नीचे आपको साइड टेबल्स मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, इतने प्यारे प्यारे फ्लैट्स लेके आ रही हूँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नए फ्लैट्स की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है। और बिल्कुल फ्रंट पे मिल जाता है टीवी कैबिनेट आप देख सकते हैं ब्राउन कलर के व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आपको मिल रहा है। नीचे आपको ओपन शेल्फ मिल रही है जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। ऊपर भी आपको शेल्फ मिल रही है जहाँ पे आप अपना कोई भी डेकोरेटिव आइटम प्लेस कर सकते हैं। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख लीजिए, स्क्वायर शेप में रहने वाला है कोव लाइट के साथ में। और इस वाली वॉल पे हमने एक बहुत ही बढ़िया कलर के कॉम्बिनेशन में वॉलपेपर का डिज़ाइन रखा है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरा ये धमाकेदार 3BHK फ्लैट का वीडियो? अगर फ्लैट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहिए, अपनी रिक्वायरमेंट भेजते रहिए, ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लैट्स लेके आते रहें। और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि नए फ्लैट्स मैं ही लेके आऊँगी आपके लिए। और साथ में देख लीजिए हमारा ओपन डिस्प्ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।